हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट टेक 14। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि जितने ही फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशंस या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक बढ़िया, सस्ता और टिकाऊ ट्राइपॉड स्टैंड की। अब इस पैकेट के अंदर हमें जो ट्राइपॉड स्टैंड मिलता है उसमें आप अपना फ़ोन और कैमरा दोनों ही बहुत इजीली फिट कर सकते हो। अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो जैसा आप देख सकते हो बिल्कुल एक नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको ये ट्राइपॉड स्टैंड मिलता है और इसका जो टोटल लेंथ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट का, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा स्टैंड है उसका भी लेंथ 2 फीट का ही है। लेकिन जब आप इस स्टैंड को कंप्लीटली सेटअप कर दोगे उसके बाद इसका टोटल लेंथ 7 फीट हो जाएगा, यानी बहुत ही लंबा ट्राइपॉड स्टैंड आपको इसके अंदर मिलता है। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर जो ट्राइपॉड स्टैंड मिलता है उसे कैसे सेटअप करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। तो इसे आप इस तरह से सिंपली खोल सकते हो और जैसा आप देख सकते हो अंदर हमारा जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो है, लेकिन उसके पहले जो एसेसरीज है वो हम निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मोबाइल होल्डर मिलता है, ये एक यूनिवर्सल मोबाइल होल्डर है, इसीलिए आप कोई सा भी फ़ोन इसमें फिट कर सकते हो। उसके बाद इसका जो नेक है वो मिलता है, ये वही चीज़ है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को किसी भी एंगल पर रख सकते हो, चाहे 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो हम बाहर निकालते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। इसके आपको कलर वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे, तो मुझे काला वाला पसंद लगा इसलिए मैंने ब्लैक वाला ट्राइपॉड स्टैंड लिया। तो चलिए अब हम इसे पहले खोल देते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो यह है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, अभी इसका लेंथ जो है वो है लगभग 2 फीट का, लेकिन इसे जब हम कंप्लीटली सेटअप कर देंगे इसका टोटल लेंथ हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट, यानी कि बहुत ही लंबा ट्राइपॉड स्टैंड आपको मिलता है। सबसे पहले अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ तो यह आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ है, लेकिन ये एक हॉलो एल्यूमिनियम से बना हुआ है। इसका मतलब पाइप्स के अंदर आपका कुछ भी नहीं रहेगा, सिंपली हॉलो पाइप्स आपको दिया गया है। क्योंकि ये हॉलो स्ट्रक्चर है इसलिए इसका जो वेट है वो काफी कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये एल्यूमिनियम पाइप है इसीलिए इसकी मजबूती भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो चलिए अब हम इसे सेटअप करते हैं। इसे सेटअप करना बहुत ही सिंपल है। तो जैसा आप देख सकते हो यह है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक लॉक मिलता है, तो इसे आपको सबसे पहले इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो इसे आप थोड़ा सा घुमा लीजिए तो क्या है ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ये 3 इसके लेग हैं, आपको इसे इस तरह से थोड़ा सा खींचना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया, उसके बाद आप एक हाथ यहां पर रखिए और एक हाथ यहां पर रखिए और इसे इस तरह से पुश कीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो जो 3 लेग्स हैं वो हमारा नीचे आ चुका है। उसके बाद यहां पर आप जो लॉक है उसे टाइट कर लीजिए। अब देखिए 2 फुट का लगभग 4 फुट हो चुका है, तो अब हम इसे इस तरह से नीचे रख सकते हैं। तो जैसा आप अभी देख सकते हो, मैं कोशिश करता हूं आपको दिखा पाऊं, तो ये जो स्टैंड है वो अभी हमारा लगभग 50-60% तक सेटअप हो चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पर भी आपको 2 और लॉक्स मिलते हैं, तो इन लॉक्स को भी थोड़ा सा लूज कर लीजिए और फिर इसे इस तरह से खींच लीजिए। तो जैसा आप देख सकते हो और ये थोड़ा सा लंबा हो गया, तो अब आप क्या कीजिएगा इसे इस तरह से बंद कर लीजिए और टाइट कर लीजिए। अब अगर हम इसका लेंथ देखें तो जैसा आप देख सकते हो ये कितना लंबा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को चलते हैं और यहां पर भी आपको एक छोटा सा लॉक मिलता है, इसे भी हम थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर लूज कर देते हैं और फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है यहां पर इसे भी हम अभी खींच लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये और थोड़ा सा खींच गया और उसके बाद ये जो लॉक है उसे अभी हम टाइट कर लेते हैं। तो अभी जो टोटल लेंथ है वो मैं आपको दिखाता हूं, तो ये नीचे से आप देख सकते हो ये कितना लंबा हो चुका है, लगभग 7 फीट का ये टोटल आपको ट्राइपॉड स्टैंड मिलता है।
तो गाइस अभी मेरे पास दो ट्राइपॉड स्टैंड है, राइट साइड वाला एक नॉर्मल सा ट्राइपॉड स्टैंड और लेफ्ट साइड वाला जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। मैं दोनों का लेंथ आपको दिखाता हूँ नीचे से, तो जैसा आप देख सकते हो जो राइट साइड वाला है ये इसका मैक्सिमम लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट का, लेकिन लेफ्ट साइड वाला अगर आप देखो तो ये 7 फीट लंबा ट्राइपॉड स्टैंड है। तो आपको दोनों में जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा, तो जैसा आप देख सकते हो। तो अब इसका जो टोटल लेंथ है वो तो हमने देख ही लिया है, लगभग 7 फीट का टोटल लेंथ आपको मिलता है। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा बंद करते हैं और बाकी के जो एसेसरीज दिए गए हैं उसे अभी हम फिट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो ये बंद हो चुका। सिमिलरली इसे भी हम थोड़ा सा खोलते हैं यानी कि लूज करते हैं और इसे इस तरह से बंद कर लेते हैं और फिर से टाइट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसे भी थोड़ा सा लूज करते हैं और इसे इस तरह से पुश करके हम बंद कर, देखिए वापस से ये हमारा 2 फीट का हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा एसेसरीज दिया गया है उसे सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो नेक का पोर्शन, तो इसे हम लेते हैं और यहाँ पर आपको एक स्क्रू मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ। इस स्क्रू में इसे नीचे इस तरह से फिट करना होगा, तो चलिए अब हम इसे इस तरह से फिट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है इसे सेटअप करना, तो जैसा आप देख सकते हो ये हमारा सेटअप हो चुका है। तो ये हमारा कंप्लीटली हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल स्टैंड आपको जो मिलता है यानी जो मोबाइल सपोर्ट करता है उसे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आपको एक स्क्रू मिलता है और इसके नीचे आपको एक स्क्रू मिलता है, तो इसे अभी हम इस तरह से रोटेट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो हमारा जो मोबाइल होल्डर है वो भी लग चुका है, तो इसे अभी हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। तो ये अभी हमारा सेटअप हो गया। अब यहाँ पर जो नोजल दिया गया, जब आप इसे लूज़ करोगे आप अपने फ़ोन को इस तरह से सीधा कहीं इस पर भी रख के आप इस तरह से इसे रोटेट कर सकते हो। तो मैं अभी एक फोन यहां पर लगाता हूं और आपको पूरा परफेक्ट करके एग्जाम्पल दिखाता हूं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फोन है उसे अभी हम यहां पर फिट करेंगे। फिट कैसे करोगे, आप बस ये जो पोर्शन देख रहे हो ये आपका एडजस्टेबल पोर्शन है, आप अपने फोन को यहां पर रखिए और इसे इस तरह से फिट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया। अब ये देखिए इस तरह से हमारा हॉराइजेंटली है, तो अगर आप इसे वर्टिकली करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, सामने थोड़ा सा लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। आपको करना क्या होगा, बस यहाँ पर जो नॉट है इसे आपको थोड़ा सा लूज़ करना होगा। जैसे ही आप लूज़ करोगे आप इसे इस तरह से सेटअप कर सकते हो। तो देखिए टाइट कर लीजिए, ये आपका हो गया। सिमिलरली फिर से थोड़ा सा लूज़ कीजिए, सीधा कर लीजिए, आपकी मर्जी। थोड़ा सा रोटेट करके आप इसे रखना चाहते हो आप कर सकते हो, इस तरफ थोड़ा सा रोटेट करके रखना चाहते हो रख के टाइट कर लीजिए, हो गया। सिमिलरली अगर आप इसे 90 डिग्री करना चाहते हो तो इस तरह से रख के इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए और फिर से टाइट कर लीजिए। तो देखिए 90 डिग्री में भी सेटअप हो गया आपका, 180 डिग्री में भी सेटअप हो गया, फिर से आपका हॉराइजेंटली सेटअप हो गया, वर्टिकली सेटअप हो गया। तो आप किसी भी एंगल पर इसे एडजस्ट कर सकते हो, तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप DSLR वगैरह कैमरा यूज़ करते हो तो आपको करना क्या होगा, ये जो मोबाइल होल्डर है इसे आपको निकालना होगा, तो इसे आप निकाल दीजिए। और अगर आपके पास DSLR कैमरा वगैरह है, जो बड़े बड़े कैमराज आते हैं, मेरे पास तो नहीं है लेकिन बता रहा हूँ आपको, जो बड़े बड़े कैमराज आते हैं उस कैमरे के नीचे आपको एक छोटा सा नोजल मिल जाएगा, तो आपको बस अपने कैमरे को यहाँ पर रख के घुमाना होगा और आपका कैमरा जो है वो आपका फिट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसे इस तरह से 90 डिग्री या फिर कंप्लीटली स्ट्रेट भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस स्टैंड की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर आप टोटल जो वेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलो से 3 किलो तक का रख सकते हो, यानी ये 2 to 3 किलो वेट बहुत इजीली संभाल सकता है। अब देखिए ये इस तरह से थोड़ा सा हिल इसलिए रहा है क्योंकि नीचे यहाँ पर इसका जो बेस है वो लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे अगर थोड़ा सा लूज़ करके थोड़ा सा और प्रेस कर देंगे तो देखिए ये अभी और स्टैंड नहीं हिलेगा, कंप्लीटली स्टेबल हो गया, तो जैसा आप देख सकते हो।
तो अभी ये जो स्टैंड आप देख रहे हो, ये कोई भी ब्रांडेड स्टैंड नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं है। आप बस सर्च कीजिए 7 feet long ट्राइपॉड स्टैंड, तो आपको बहुत सारे वैरायटीज के मिल जाएंगे, आप उसमें से कोई सा भी अपने हिसाब से खरीद सकते हो। अब इस तरह के स्टैंड आपके बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगहों पर अवेलेबल है। ऑनलाइन परचेस लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन दोनों जगहों पर कंपेयर कर लीजिए, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, जहाँ पर आपको सस्ता मिले वहीं से ही आप इसे ले सकते हो। इसके आपको डिफरेंट कलर वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था मुझे ब्लैक पसंद है, इसलिए मैंने ब्लैक खरीदा। अब इसका एक एल्यूमिनियम कलर भी आता है, सिमिलरली एक ब्राउन कलर भी आता है, तो आप अपने हिसाब से जो भी कलर आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। एक और चीज़ ये है प्राइस। अब इसका प्राइस जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जो आपके नॉर्मल ट्राइपॉड स्टैंड्स आते हैं, जैसा हमने वीडियो में देखा था एक छोटा सा स्टैंड जो मैंने साइड में रखा था, उसी के आसपास इसका प्राइस आपको आएगा। तो ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है इस तरह के स्टैंड के लिए। तो गाइज, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियोज़ के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।